ये जैक्सन का ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन है दोस्तों, एक घंटे में 1000 रोटी तैयार होता है। पूरा स्टेनलेस स्टील का मशीन बनाया हुआ, 6.5 फीट का ये मशीन है। सिर्फ इस तरह से लोया रखना है, ऑटोमेटिक चपाती रोटी बनके तैयार हो जाएगी। ये जो लेडीज है वो इस तरह से लोया रख रही है, सिर्फ रखना है। ये प्रेसिंग यूनिट है, इसके अंदर प्रेस होगी रोटी। और ये जो देख रहे हैं आप, एक कन्वेयर बेल्ट है। एक कन्वेयर बेल्ट SS304 का बनाया हुआ, इसमें सीक के रोटी बाहर निकलेगी और सीकने के बाद कैसी क्वालिटी आएगी वो भी हम आपको बताने वाले दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शानदार मशीन है और कितना शानदार रोटी बन रहा है। देखिए इस तरह से सिर्फ लोया रखा, एक घंटे में 1000 की कैपेसिटी है। जैसे ये ढक्कन बंद होगा उसके ऊपर लोया रखना है और ऑटोमेटिक लोया अंदर चला जाएगा और रोटी प्रेस होके बाहर निकलेगा। ये ऑटोमेटिक प्रेसिंग यूनिट है, ये सिर्फ आपको प्रेसिंग यूनिट भी लेना है तो जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो प्रेसिंग यूनिट है इसके अंदर से रोटी सीक करके बाहर आ रही है। इसके अंदर से हल्की सी सीक के मतलब 20-40% सीखे आएगी और ये जो आपको तवा दिख रहा है इसमें पूरा बेकिंग होगा, मतलब 100% सीखे इसके अंदर से आ जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों सिर्फ 6 फीट का मशीन है, इसको आप किधर भी ले जाना है तो भी आप ले जा सकते हो। इसके अंदर 3 कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा हुआ है, पहले 2 प्लेन बेल्ट और ये जो है चारी वाला बेल्ट लगा हुआ है दोस्तों। चारी वाला बेल्ट लगाने से क्या होता है, रोटी है एकदम फुल के रेडी होती है दोस्तों। आपको एक कम फुलाना ज्यादा फुलाना पूरा सिस्टम ये जैक्सन मशीन अंदर बिठाया हुआ है। आप देख सकते हो कितना फुल का बन के रेडी हो रहा है दोस्तों। 1 मिनट में 18 रोटी तैयार हो रहा है दोस्तों, मतलब 1 घंटे में 18,000 रोटी तैयार होता है। सिंगल फेस का ही मशीन है, इसमें कोई 3 फेज पावर लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, और पूरा गैस ऑपरेटिंग और बिजली ऑपरेटिंग है। तो आप किसी भी जगह पे इसको इंस्टॉल करके आराम से रोटी दोस्तों बना सकते हैं। दोस्तों आपको भी अगर ये रोटी का क्वालिटी अच्छा लगा है और ये मशीन के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो हमने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 9909917518। आप इस पे कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। जैक्सन मशीन अहमदाबाद, नवनीत देसाई, धन्यवाद दोस्तों।